हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कर्ता बोधक तालिका, जो हमारी कर्ता बोधक तालिका थी, उसका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के रूप किस प्रकार चलाए जाते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्रिया। जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, आपने क्रिया की परिभाषा सुन रखी होगी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो परिभाषा बताऊं, किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जिन शब्दों के पीछे ना जुड़ा हुआ होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, रोना, धोना। तो दोस्तों, जिन शब्दों के पीछे ना जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की आपको परिभाषा याद हो गई, किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, क्रिया आपने दो प्रकार की पढ़ी होगी, लेकिन संस्कृत जो ग्रामर है वहाँ आपने हिंदी में पढ़ी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अंग्रेजी में होती है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हिंदी में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन संस्कृत जो भाषा है उसमें क्रिया तीन प्रकार की होती है। क्रिया कोष्ठक में लिखेंगे धातु, क्योंकि संस्कृत में धातु कहते हैं। दोस्तों, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है,
तीन प्रकार की होती है। पहली परस्मैपदी, तो पहली आत्मनेपदी, दूसरी है हमारी परस्मैपदी, और तीसरी है दोनों को मिला दिया जाए तो होती है उभयपदी। तो दोस्तों, क्रिया के मैंने धातु के तीन भेद बताए हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। अब देखते हैं आत्मनेपदी किसे कहते हैं। पहली निकल के आती है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, जहां वाक्य में क्रिया का प्रतिफल फल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे बालक रोता है देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में या जहां वाक्य में क्रिया का प्रतिफल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे बालक रोता है, तो यहाँ रोने का जो प्रतिफल है, जो रो रहा है वह कौन है? बालक। रोने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक। दर्द किसे हो रहा है? बालक को हो रहा है। जैसे मैं कहूँ आपको कि बालक पेट दर्द से रोता है, तो जो पेट दर्द की जो पीड़ा हो रही है उसको सहन कौन कर रहा है? बालक। तो बालक रोता है, इस वाक्य में जो रोने की क्रिया है वह बालक कर रहा है। बालक पिटता है। अब जो पिटने की जो प्रक्रिया हो रही है, बालक पिट रहा है, पीड़ा जो हो रही है वह पीड़ा किसे हो रही है? बालक को हो रही है। तो वाक्य में जो क्रिया का जो प्रतिफल है वो सीधा और सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया है रोना, क्रिया है पिटना, क्रिया है पीटना, क्रिया है खाना, बालक खाता है। अब मेरे सामने कल्पना कीजिए, एक बालक बैठा हुआ है, जैसे कि आप बैठे हुए हो और आप कुछ खा रहे हो। कल्पना कीजिए जैसे आप आम ही खा रहे हो, और मैं मनी मन में करूं आहम, तो जो आम का जो स्वाद है वो आपको आ रहा है, ना कि मुझे।
इमली का नाम सुनते ही बालिका या छात्रा इमली खाती है, तो इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी तो हमारे मुंह में आया, लेकिन उसका स्वाद कौन चख रहा है? बालिका। तो यह क्रिया का जो प्रतिफल है वो सीधे और सीधे बालिका पर पड़ रहा है, इसलिए वह आत्मने पदी है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी होती है परस्मै पदी, दूसरी होती है परस्मै पदी। परस्मै पदी क्या कहती है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल परस्मै पदी, जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल कर्ता पर न पढ़कर पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे परस्मै पदी कहते हैं। उसे परस्मै पदी कहते हैं छात्रों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल सीधा कर्ता पर न पड़ कर के क्रिया पर पड़ता है, उसे परस्मै पदी कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यह पढ़ने की जो प्रतिक्रिया हो रही है, पढ़ने की जो प्रतिक्रिया हो रही है वह कर्ता के द्वारा हो रही है। दोस्तों किसके द्वारा हो रही है? कर्ता के द्वारा हो रही है, लेकिन लेकिन पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पुस्तक की। अगर हमारे बीच के हमारे पास या हमारे मध्य पुस्तक नहीं होगी तो वह प्रतिक्रिया असफल हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? असफल हो जाएगी। इसलिए पुस्तक का होना अनिवार्य है। पुस्तक है तो पढ़ाई हो सकती है, और पुस्तक नहीं है तो पढ़ाई अवरुद्ध हो जाएगी। जैसे कि एक विद्यालय में, एक वातावरण में, विद्यालय किसे कहते हैं, जहाँ एक टीचर हो, छात्र हो और आवश्यकता की सारी वस्तुएं हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, बैठने की उचित व्यवस्था, पंखा हो ऊपर, एक वातावरण हो, चार बंदी हो। ये तो है नहीं कि एक पेड़ नीचे जाके मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं, ना मेरे हाथ में चौक हो ना ब्लैक बोर्ड हो, तो मैं केवल प्रवचन के माध्यम से आपको दो मिनट चार मिनट रोक सकता हूँ, छः छः घंटे आठ आठ घंटे आपको एकीकृत नहीं कर सकता। आठ घंटे रोकने के लिए उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है पुस्तक। तो दोस्तों जैसे लिखेंगे, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है,
तो यहाँ जो प्रतिफल है वो कर्म पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है दोस्तों? कर्म पर पड़ रहा है। ऊपर वाला वाक्य था जिसका प्रतिफल सीधा और सीधा कर्ता पे पड़ रहा था, उसका प्रतिफल सीधा कर्ता पे था, और जो दूसरा वाक्य है उसका प्रतिफल सीधा के सीधा पुस्तक पे है। तो जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रतिफल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है उसे आत्मनेपति कहते हैं। जहाँ क्रिया का प्रतिफल कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे परस्मैपदी कहते हैं। और तीसरी है उभयपदी। उभय का मतलब, उभय यानी होता है दोनों। उभय यानी क्या होता है दोस्तों? दोनों होता है। और दोनों का मतलब समझ में आ गया, इसका मिश्रित रूप। इसका कौन सा रूप? मिश्रित रूप, मिक्स जो रूप है, मिश्रित जो रूप है वो है उभयपदी। कौन सी पदी है? उभयपदी है। आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उभयपदी जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है, उसे उभयपदी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयपदी कहते हैं। अब उभयपदी में दोनों ही वाक्य आते हैं। बालक रोता है यह भी उभयपदी में है, और बालक पुस्तक पढ़ता है यह भी उभयपदी में है। तो आज हमने क्रिया कोष्ठक में धातु का विषय पढ़ा। इसका एक बार पुनः अवलोकन करवा रहा हूँ। क्रिया किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य का करना या होना हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब और संस्कृत में धातु कहलाती है। तीनों की परिभाषा एक ही है दोस्तों। अगली बात, क्रिया के भेद। क्रिया तीन प्रकार की होती है। क्रिया का मतलब हो गया धातु। तीन प्रकार की होती है। पहली आत्मनेपदी, दूसरी परस्मैपदी, तीसरी उभयपदी। आत्मनेपदी बोले तो अकर्मक क्रिया, आत्मनेपदी बोले तो यानी कोष्ठक में अकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रिया है उसी का नाम आत्मनेपदी है, अलग अलग नहीं है। अकर्मक क्रिया में भी क्रिया का प्रतिफल सीधा ही कर्ता पे पड़ता है, और वही परिभाषा आत्मनेपदी की है। तो इसका संस्कृत रूपांतर क्या हो गया? आत्मनेपदी। परस्मैपदी बोले तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक जो कर्म साथ में लेके आती है, जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। अकर्मक यानी कर्म नहीं है। ए का मतलब होता है विलोम शब्द है। अकर्मक यानी कर्म नहीं है, और सकर्मक यानी कर्म है, कर्म साथ में है। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म है वो तो हो गई सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं है वो हो गई अकर्मक।
तो यह क्रिया का प्रतिफल सीधा ही कर्ता पे पड़ रहा है, वो आक्रमक औलिक आत्मनेपदी। और जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह हो गई सकर्मक औलिक परस्मयी पदी। और जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिफल कर्ता और क्रिया दोनों पर ही पड़ता है, वह होती है उभयपदी। जैसे बालक रोता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सी हो गई, यह हो गई दोस्तों उभयपदी। तो छात्रों, आज हमने क्रिया के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम क्रिया के रूप चलाना बताएंगे, क्रिया के रूप किस प्रकार से चलाए जाते हैं और कौन कौन से लकार में जो हमारे सिलेबस में है उसका अध्ययन करेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया के रूप कैसे चलाए जाते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अतिशीघ्र फिर पुनः दोबारा मिलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक वो क्रिया से ही संबंधित है, उसको लेकर के। जय हिंद, जय भारत।